उत्तर प्रदेश के आज निजी स्कूल बंद रहे। शिक्षकों का हर स्कूल में विरोध देखने को मिला। शिक्षकों ने काले कलर के बैंड बांधकर विरोध जताया। मामला आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल का है, जहां बीते दिनों छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद प्रधानाचार्य और शिक्षक को जेल भेज दिया गया था। इसी का विरोध आज पूरे प्रदेश के साथ साथ आगरा में भी देखने को मिला। शिक्षकों का कहना है कि जांच पड़ताल करने के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर, आज सांकेतिक विरोध किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया गया है, आगरा उत्तर तो क्यों है ये विरोध और क्या आगे की रणनीति? डॉक्टर सुशील गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट इनिशिएटिव नीसा, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा, निदेशक प्रीव पब्लिक स्कूल। सबसे पहले तो मैं अपनी दिवंगत बिटिया के को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको श्री चरणों में जगा दें। और जो संतप्त परिवार है, देखिए किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य अगर जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे भी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने तय किया है कि हम उनको न्याय दिलाने में और उनकी आर्थिक सहायता करने में जितना कुछ होगा हम मदद करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षक और शिक्षक शिक्षा समाज ये कुछ अलग है। हम लोग देश के लिए नागरिक बनाते हैं, हम में से कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बगैर जांच किए एक प्रिंसिपल और एक टीचर को जेल में बंद करना मुझे लगता है ये न्यायोचित नहीं। आपने एक हत्या के साथ दो और हत्याएं करने का मन बना लिया है, क्या समाज उस प्रिंसिपल को, उस टीचर को किस हद तक एक्सेप्ट करेगा? क्या वो स्कूल में जाके दोबारा कार्य कर सकते हैं? क्या उनका मॉरल किस लेवल तक गिर जाएगा? और आप माफ कीजिएगा, अगर आज शिक्षक ये सोच ले कि मुझे बच्चों को कुछ नहीं कहना है, मुझे बच्चे कुछ भी करते रहें, मुझे कहीं उंगली नहीं उठानी है, तो क्या होगा ये आप सबको मालूम है। मैं बार बार कहता हूँ कि अब किसी भी स्कूल में 20वीं सदी का एक भी बच्चा नहीं, सारे बच्चे 21वीं सदी के हैं और 20वीं सदी के टीचर और 19वीं सदी के पेरेंट्स हैं। तो मेरा आपके चैनल के द्वारा सिर्फ यही एक अनुरोध है कि शिक्षा जगत को कैसे बचाएं, कैसे हम अपने टीचर और प्रिंसिपल्स को बचाएं, उनके लिए गाइडलाइंस तय कर दें। कल हमारा एक डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी विजय किरण जी से मिला था, उन्होंने कहा है कि हम 15 दिन में इसकी गाइडलाइंस बनाएंगे। समाज किस लेवल पे जा रहा है ये आप सबको मालूम है। सर, आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आजमगढ़ की घटना को लेकर, तो किस तरह की रणनीति बनाई है और क्या विरोध प्रदर्शन में क्या रहा है? जो आजमगढ़ में चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल में जो घटना हुई है वो अत्यंत दुखद है और ऐसी घटना कहीं भी ना हो, किसी भी बच्चे के साथ ना हो, लेकिन हमारा विरोध इससे है कि पूरी तरह से जांच करके, निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी हो उसी को सजा दें। आप बिना जांच के प्रिंसिपल को और क्लास टीचर को हिरासत में लेना, इसका विरोध हम कर रहे हैं। जांच हो और जिसकी गलती हो उसकी उसको सजा मिले। भविष्य में ऐसी कोई भी घटना स्कूलों में ना हो, इसको लेकर आपको क्या आपके तरफ से निर्देश? सर, इस जांच के बाद बहुत क्लियर होगी पिक्चर, जिससे कि ये पता लगेगा आखिर ऐसा डिसीजन छात्रा ने लिया क्यों। जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हाँ, मैं सभी अभिभावकों से ये करूँगा कि एक डर का माहौल उनके मन से निकाल दें। एक डर है, हम जो नोटिस करते हैं, अगर हम भी कभी बोलते हैं तुम्हारे फादर को बुला लें तो बच्चे बोलते हैं नहीं मत बुलाइए, आप अपने लेवल पर सुधारिए। इसका मतलब है वो पेरेंट्स से डरते हैं, एक जो गैप डेवलप हुआ है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में तो बहुत ही दुखद है, उसको पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा और उसको दूर करना पड़ेगा। सर, आगे भी विरोध रहेगा तरीके का, ये तो अभी आज के लिए है सर। सब बच्ची के साथ हैं, उनके परिवार की संवेदना व्यक्त करते हैं और हाँ, आशा करते हैं कि भविष्य में कहीं भी किसी भी विद्यालय में इस तरह की घटना ना हो। मैं अपना नाम बता दी, रंजना गुप्ता, प्रीलिट पब्लिक स्कूल। क्या कहेंगे आज आपने विरोध किया है? काला रिबन बांधकर हमारे सभी विद्यालय के शिक्षकों ने विरोध
प्रदर्शन किया है, उसका कारण है कि चिल्ड्रंस स्कूल में जो प्रधानाचार्य और शिक्षक का की गिरफ्तारी हुई है वो बिना किसी जांच पड़ताल के की गई है, जो कि पूर्णतः गलत है, और उन्हीं को समर्थन देने के लिए हम लोग सभी लोग अपना विरोध दिखा रहे हैं। नहीं, स्कूल बच्चों के लिए बंद रखा गया है, लेकिन शिक्षकों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए शिक्षकों को यहाँ आना पड़ा।